चलो सेटल डाउन हो गया आप लोग, सेटल पढ़ाओ मैं आगे। शुरू करूं मैं? ठीक है चलो, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपके बैच को? तीनों टाइप पढ़ा दिए हैं, फॉर्मेशन वाला खाली। ओके चलिएगा, तुम पढ़ाएंगे क्या करना है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ना है ना, वो तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला जो कैटेगरी है वो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब होता है क्रिएशन, आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कैसे किया, उसके ऊपर बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं आपको। दूसरा है बेस्ड ऑन वैलिडिटी, आपके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो वो क्या है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं। और लास्ट में है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट कितना परफॉर्म हुआ भी है या नहीं परफॉर्म हुआ है, उसके ऊपर आपको कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज है। कैटेगरीज क्या है? तीन कैटेगरीज है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन वैलिडिटी एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो पहले हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन वैलिडिटी, क्योंकि मेरे इसमें पहले यही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आएगा, कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आएगा? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स है सारे के सारे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जो अभी आपने ऑफर पढ़ा 11 पॉइंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर उसमें से एक आधा एलिमेंट मिस आउट हो गया तो क्या, वो देखना है। ऐसा जरूरी है वॉइड रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है वो। तो उसमें क्या है, सबसे पहला है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड का मतलब होता है रॉन्ग, हिंदी में रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये होता कैसे है? देखो ये है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन ये वैलिड है क्या? नहीं, ये वैलिड नहीं है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइड है। वॉइड मतलब गलत है। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट गलत होता है या वॉइड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अनएनफोर्सिएबल, मतलब अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो। दो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट विल नॉट बी एनफोर्सिएबल एट अ फ्यूचर डेट, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है? तो एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पहले आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देती हूँ, फिर उसी को मैं कनेक्ट करती हूँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे है मिस्टर एक्स और यहाँ पे है मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसको लेके हुआ है? सेलिंग ऑफ लिकर, सेलिंग ऑफ लिकर। तो मिस्टर एक्स इज बेस्ड ऑन महाराष्ट्र, मिस्टर वाई इज बेस्ड ऑन गुजरात। ठीक है, स्टेट क्लियर हो गया आपको? आगे चेंज कर देते हैं मैं उसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? मिस्टर एक्स कहां से है? महाराष्ट्र से। मिस्टर वाई कहां से है? गुजरात से है। तो मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस किया है या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको बेचूंगा क्या? लिकर, मैं आपको लिकर सप्लाई करूंगा। और मिस्टर वाई गुजरात से क्या करेंगे? उसको उस लिकर के बदले में पेमेंट करेंगे, मतलब आपके सप्लायर रही है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आप इनको लिकर बेचोगे और ये आपको पेमेंट करेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट ओके है? ओके है कि नहीं है? ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुड्स बेचो, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि आप कुछ बेचोगे और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो क्या मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया? यस। मिस्टर वाई ने ऑफर को एक्सेप्ट किया? यस। क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है? यस। क्या ये एनफोर्सिएबल है? यस। अगर कल को मिस्टर एक्स ने लिकर सप्लाई नहीं किया पैसे लेने के बाद, क्या मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के ऊपर केस कर सकते हैं? यस। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितना क्लियर है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये। अब यहाँ पे टर्म क्या था? मिस्टर वाई ने बोला कि
मुझको लिखकर अभी नहीं चाहिए, आई नीड दिस लिखकर ऑन, अच्छा चलो डेट नहीं लिखा, बहुत बढ़िया, आई नीड दिस लिखकर ऑन 20th of December of 24। बोलो क्यों? क्रिसमस आ रहे हैं, 31st आ रहे हैं, तो लोगों को लिखकर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मुझको 20th December 2024 को क्या चाहिए, लिखकर का सप्लाई चाहिए, इस दिन से आप सप्लाई करना चालू करो, आई स्टार्ट मेकिंग पेमेंट टू यू। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? तो इनके बीच में क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? इन दोनों के बीच, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? यस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब आगे जाते जाते 20 दिसंबर आते आते गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने क्या किया, एक नया लॉ लेकर आ गए, लॉ लेकर आ गए, वहां पे बोला लिखकर बैन, क्या कर दिया उन्होंने, लिखकर को बैन कर दिया। मतलब जो सप्लाई चालू होना था 20 तारीख से, वो 10 ऑफ दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने क्या किया, लिखकर को बैन कर दिया। बताओ एक जमाने में जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, क्या वो इस जमाने में वॉइड हो चुका है? मतलब कुछ तो लॉ में चेंज हुआ, इसकी वजह से अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म? लिखकर बैन कर दिया ना, अब आप लिखकर सप्लाई कर सकते हो गुजरात में? लीगली सप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं। इलीगल तरीके से आप करते हो अभी भी, मतलब आप नहीं, मतलब करने वाले लोग करते हैं, लेकिन लीगली आप इसको कर सकते हो क्या सप्लाई? नहीं कर सकते। लीगली आपको लीगली क्या हो गया है, बैन हो गया है गुजरात में लिखकर का डीलिंग करना। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो एक जमाने में जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वो आज क्या बन चुका है, वॉइड बन चुका है, रीजन बीइंग चेंजेस इन द लॉ और सर्कमस्टांसेस। लॉ में चेंज हो गया, इसके लिए हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। यहां तक क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, एक कोई केमिकल है, हैजार्डस नेचर का केमिकल है, हैजार्डस मतलब डेंजरस नेचर का कोई केमिकल है। पहले मेडिसिन, बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड दे यूज लॉट ऑफ केमिकल्स इनटू इट। तो यहाँ पे कोई केमिकल एक्स है, केमिकल क्या है, एक्स है, जो बहुत ही डेंजर है। तो लोगों ने क्या किया था, इसको अपने टॉयलेटरीज में क्या करते थे, मतलब वो अपना जो हार्पिक होता है या जो डिटर्जेंट होता है, जो एक्सपेंसिव चीजें होती है, वो बनाने के लिए इस केमिकल को क्या करते थे, यूज करते थे। अब जब यूज करने लगे इस केमिकल को, तो क्योंकि डेंजरस इन नेचर है, तो वो लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस केमिकल के डीलिंग पे बैन लगा दिया। उन्होंने बोला अब आप इस केमिकल में डील नहीं करोगे, समझ रहे आप लोगों को, अब आप इस केमिकल में डील नहीं करोगे। तो मुझे बताओ, जब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप केमिकल सप्लाई करोगे, आज वो केमिकल पे बैन लग गया, तो आज आप सप्लाई कर सकते हो क्या? तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड था जब आपने कंपनी के साथ साइन किया होगा, आज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन चुका है, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, मतलब आप उसको लीगली परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ये क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ये तीसरा एग्जाम्पल, चलो मैं अपना नाम अपने आप को क्यों फेमस करूँ, मैं इसको कैंसिल करके मैं किसी और पर्सन को बता देती हूँ। तो मानो यहाँ पे कोई है देविका, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन देविका करके कोई पर्सन है, और ये कोई आर्टिस्ट जिसका नाम है एम एफ हुसैन। देविका एम एफ हुसैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, देविका बोलती है कि आप मेरी क्या बनाओ, पोर्ट्रेट बनाओ, आप मेरी पेंटिंग बनाओ, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाओ, क्योंकि एम एफ हुसैन बहुत ही बड़े पेंटर हैं, तो मतलब आप डिमांड कर ही सकते हो, लेकिन पैसे भी देने पड़ेंगे आपको। तो क्योंकि बहुत बड़े पेंटर है और बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत काम होता है, बहुत असाइनमेंट होता है, तो इनका असाइनमेंट उन्होंने बोला कि ठीक है आप 12 तारीख को आ जाओ, 12 दिसंबर को आ जाओ, मैं क्या करूँगा, मैं आपका पोर्ट्रेट बना दूंगा, ठीक है। अब 12 दिसंबर को देविका जाएगी, पोर्ट्रेट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, बराबर कि नहीं? इन लोगों के बीच में अज्यूम करो सारे इसेंशियल एलिमेंट्स है इसके अंदर, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, सब कुछ है। ये क्लियर है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, खाली परफॉर्म हुआ नहीं है, परफॉर्म कब होना है, 12 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि ही इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद द अदर असाइनमेंट्स। तो 12 दिसंबर का टाइम मिला देविका को कि भैया सॉरी एम हुसैन सर, मैं 12 तारीख को आऊंगी, आप बना दीजिए मेरे पोर्ट्रेट। लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेट रीजन है, एम एफ हुसैन की डेथ हो गई ऑन 10th दिसंबर। देविका को बहुत दुख होगा कि उसकी एक पेंटिंग बन जाती तो कितना अच्छा होता, वो बोल पाते कि देखो
एम एफ हुसैन ने मेरी पेंटिंग बनाई है, लेकिन अब वो अब बोलने के लायक ही नहीं रहे क्योंकि एम एफ हुसैन ने उसकी पेंटिंग बनाई ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी, जिसने प्रॉमिस किया था कुछ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मर चुकी है या डिजेबल हो चुकी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा आपका, वॉइड हो जाएगा। अगेन एक जमाने में वैलिड था, लेकिन कुछ चेंजेस हुए या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ये क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। ये क्लियर है आप लोगों को? सो आफ्टर द डेथ ऑफ द आर्टिस्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज, यहाँ तक क्लियर है? वैलिड और वॉइड में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या तो चेंजेस इन लॉ हो जाता है, एक जमाने में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन लॉ में चेंज हो गया, या कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, या तो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की डेथ हो गई, सब्जेक्ट मैटर ही आपका खराब हो चुका है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। सो चेंजेस इन लॉ या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, वॉइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? डाउट रहेगा तो पूछ लेना, नहीं डाउट रहेगा तो मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या डाउट है विनय? चलो यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ू मैं। तीसरे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज neither valid nor void, something in between which is known as voidable. अब देखो ये voidable जो word है, दो word से derive हुआ है, बताओ कौन से दो word है वो, एक void और दूसरा able। मतलब ये एक ऐसा contract है जिसके अंदर ability है किसी भी contract को void करने की, या इसी contract को void करने की ability है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, voidable कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये ना ही वैलिड है ना ही वॉइड है, समवेयर इन बिटवीन है, ना आप मेल हो ना फीमेल हो, तो आप क्या हो, बिटवीन वाले जेंडर हो, अदर्स वाले हो, तो ये ऐसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। देखो ये होता कब है मैं वो भी बताऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले ये देख लो, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड और वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। अब इसने अग्रीव्ड पार्टी करके एक वर्ड यूज किया है, अग्रीव्ड पार्टी का सिंपल ट्रांसलेशन होता है दुखी यारी आत्मा, दुखी यारी आत्मा। मतलब वो ये एक वो पर्सन है जिसके साथ सब बुरा ही होता है, मतलब जो भी चीज बुरी होनी है इसके साथ ही होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दुखी यारी आत्मा, दैट इज इन लीगल लैंग्वेज इट इज नोन एज अग्रीव्ड पार्टी। एग्जाम्पल देती हूँ, ये कोई है मिस्टर ए, है कोई मिस्टर ए, और ये है कोई मिस्टर बी, ये मिस्टर ए है और ये कोई है मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी के घर पे जाता है और बोलता है, देख भाई ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है, साइन कर दे, अगर तूने साइन नहीं किया ना तो मेरे पास एक छोटा बंदूक है जिससे मैं क्या करूंगा, तेरे को शूट कर दूंगा, सिंपल। ऐसा उसने बोल दिया, मिस्टर ए मिस्टर बी के घर में गया, उसके घर में घुस के उसको धमकी दे रहा है कि अगर तूने इस प्रॉपर्टी पेपर पे साइन नहीं किया तो मैं तुझको शूट कर दूंगा इस बंदूक से। समझ में आ रहा है? अब गुंडा लोग हैं, डर लगेगा कि नहीं लगेगा नॉर्मल इंसान को, आम आदमी को डर लगता है, तो ये आम आदमी ने क्या किया, पहले तो बहुत रेजिस्ट करेगा कि भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, भैया मैंने आपका क्या ही बिगाड़ा, भैया मेरे परिवार है, बच्चे है, कहाँ जाएंगे रोड, सब होने के बाद बोलता है, देख ज्यादा रोना धोना किया तो अब भी उड़ा दूंगा और तेरे साथ तेरे परिवार को भी उड़ा दूंगा। तो बोल क्या चाहता है तू, ये क्या चाहेगा, ये बचना चाहेगा या मरना चाहेगा, बचना चाहेगा। तो फिर ये क्या करेगा, अल्टीमेटली इस पेपर पे साइन कर देगा। पेपर पे क्या लिखा था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो घर है, किसके नाम पे जा रहा है, इसके नाम पे जा रहा है, किसके नाम पे, मिस्टर ए के नाम पे जा रहा है। अब देखो मिस्टर ए भी थोड़ा शरीफ गुंडा था, तो उसने पैसे तो लिए, मतलब उसने घर घर के पेपर पे साइन तो करवाया जबरदस्ती, लेकिन उसने इसके मुंह पे ना 5 लाख रुपए भी फेंक दिए, बोले लेके जा 5 लाख रुपए, अरे घर की प्रॉपर्टी पेपर्स, प्रॉपर्टी सब किसका हो गया, मेरा हो गया, ऐसा बोल के उसने क्या किया,
से पेपर पे साइड करवा लिए। अब मुझे बताओ इसमें, इस दोनों पार्टीज में, ए और बी में, बुरा किसके साथ हुआ है, नुकसान किसका हुआ है? बेचारा इंसान ही है, बी फॉर बेचारा। ये बेचारा आदमी कहाँ जाएगा, 5 लाख रुपए लेके उस घर से निकलना ही पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं है क्योंकि उसने पेपर पे साइन कर दिया और घर उसका हो गया। ये क्लियर है आप लोगों को? लेकिन मुझको बताओ, क्या यहाँ पे बी ने जो कंसेंट दिया इस घर को बेचने का या इस पेपर पे साइन करने का, क्या वो फ्री था? नहीं, फ्री नहीं था ना, मतलब जबरदस्ती उसका कंसेंट लिया गया, उसके सर के ऊपर बंदूक रखी गई और फिर उसको बोला कि पेपर पे साइन कर, नहीं किया तो उड़ा देंगे तेरे को बराबर। तो उसने बोला जान प्राण जाए पर, नहीं, घर जाए पर प्राण न जाए, ठीक है? उसने ये बोला और उसने क्या किया, साइन करके निकल गया। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं तो उसको प्रॉब्लम है कि अरे मेरा घर, मेरा घर, मेरी इच्छा के बिना कोई ले लिया मुझसे, ये होगा कि नहीं होगा? तो एज ऑन देखा, ऐसा अपफ्रंट पिक्चर देखोगे तो लगे कि हाँ भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसने साइन किया पेपर के ऊपर, पैसे लिया और निकल गया, लगता वैलिड है, लेकिन वैलिड है नहीं। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब ये जो मिस्टर बी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, इसके पास एक ऑप्शन है, एक क्या है, ऑप्शन या एक राइट है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का या कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने का। वैलिड कब होता है, जब आपने कोई एक्शन लिया ही नहीं मिस्टर ए के अगेंस्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका, वैलिड हो गया। साइन किया पेपर पे, पैसे लिए, आप निकल गए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड। जो अपफ्रंटली दिख रहा है वैलिड है, वो वैलिड है। लेकिन अगर ये चाहता है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसके पास ऑप्शन है, किसके पास ऑप्शन है, बी के पास ऑप्शन है। बी क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट को अर्जी करेगा कि कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करो, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट में, जबरदस्ती मुझसे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया, प्लीज डिक्लेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या माना जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मतलब एक पर्सन के पास एक राइट है, वो पर्सन कौन है, अग्रीव्ड पार्टी। इस अग्रीव्ड पार्टी के पास एक राइट है कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वॉइड करने का या तो वैलिड करने का। उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? गलत नहीं है लेकिन गलत हो सकता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रॉन्ग नहीं है, अभी अपरेंटली रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये रॉन्ग हो सकता है, लेकिन किसके द्वारा, अग्रीव्ड पार्टी। क्या है अग्रीव्ड पार्टी के पास एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यूज करके उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वॉइड कर सकता है या तो वैलिड कर सकता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? सो दिस इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? डाउट है तो पूछ लो मुझको, नहीं डाउट है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल अग्रीमेंट। सो ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड अग्रीमेंट। इलीगल मतलब क्या होता है, जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता, जैसे मर्डर कर दो, चोरी कर लो, ड्रग्स में डील कर लो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर लो, स्मगलिंग कर लो, ये सारी चीजें क्या वैलिड है, लीगल है? नहीं, ये सारी चीजें क्या है, इलीगल है। तो इलीगल अग्रीमेंट या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि वो गलत ही है। जो चीजें इलीगल है वो हमेशा क्या है, वॉइड है, बराबर के नहीं? जो चीजें इलीगल है वो हमेशा क्या वॉइड रहेगा। लेकिन मुझे बताओ ना, क्या हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट हो सकता है? कैसे? क्या हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट हो सकता है? नहीं। कैसे? वॉइड तो अलग अलग रीजन से हो सकता है ना, कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज, प्री कंसेंट नहीं था बराबर कि नहीं, मीनिंग सर्टन नहीं था बराबर, ये कुछ रीजन होगा तो क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट सॉरी आपका अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड अग्रीमेंट होगा। इसमें इलीगल नहीं, इलीगल कब है, जब आप कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हो, तो उसमें क्या आता है, स्मगलिंग, चोरी, फाइटिंग, मर्डर और एक्स वाई जेड चीजें आती है बराबर की नहीं। तो हमेशा वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट हो ऐसा नहीं होता, बट हर इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है, गलत होता है। लेकिन हर गलत अग्रीमेंट इलीगल होता है क्या? नहीं।
नहीं होता, बस वही लिखा हुआ है, बट ऑल वर्ल्ड एग्रीमेंट्स आर नॉट इक्वल अग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें का लास्ट पॉइंट है, दैट इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसको आप लॉ में कोर्ट में लेके जाके एनफोर्स करा सकते हो। तो अनएनफोर्सिएबल क्या होगा, जिसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सिएबल क्यों होता है, या तो उसमें कोई टेक्निकल एरर, टेक्निकल ग्लिच आ गया तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में इसकी वजह से, या आपको वो राइटिंग में करना चाहिए लेकिन आपने उसको ओरल अग्रीमेंट कर दिया तो इसकी वजह से वो क्या हो गया अनएनफोर्सिएबल, या बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया। बार्ड बाय लिमिटेशन का मतलब होता है लिमिटेशन, लॉ ने क्या किया उसके ऊपर एक लिमिट लगा दिया कि बस अब इसके आगे आप इस पर्सन के ऊपर केस नहीं कर सकते हो या इस मैटर के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें ये क्लियर है आप लोगों को? बार्ड बाय लिमिटेशन का एग्जांपल दूं, हर कंपनी का क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। हर कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, क्या बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है, क्या एसेट साइड में करंट एसेट्स होता है, क्या करंट एसेट्स में डेटर्स होता है, डेटर्स होता है। तो आपके जो डेटर्स होते हैं हर साल के एक्युमुलेट होते हैं, ओपनिंग एडिशंस और फिर बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो ये रहता है, करेक्ट, आपका जो कैलकुलेशन करते हो। तो ये डेटर्स है आपके, तो आपके डेटर्स है ना 50 लाख के है, टोटल डेटर्स 50 लाख के। इसमें का एक डेटर है जो 2 लाख रुपए का है, 50 लाख में का एक कोई पर्सन है जिसको आपको 2 लाख रुपए देने हैं। ये पर्सन आपको 2 लाख रुपए दे ही नहीं रहा है पिछले 4 साल से, फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स ही इज नॉट पेइंग योर 2 लाख रुपीज। तो क्या आप 4 साल के बाद इस पर्सन के ऊपर केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट है, एक लिमिटेशन एक्ट है जो ये बोलता है अगर आपको किसी से भी अपने किसी भी डेटर्स से पैसे रिसीव करने हैं तो आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स करना होता है। मतलब 3 ईयर्स में आप केस फाइल करो और उससे अपने पैसे रिकवर करो। आप 3 साल का लिमिट था, आप 4 साल के बाद केस करने आ रहे हो ना, 4 साल के बाद केस करने आ रहे हो, तो लिमिटेशन एक्ट ने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, नहीं आप केस नहीं कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को? यस, गुड, बोला तो सही कम से कम। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट, 6 मिनट्स, टेक अ ब्रेक ऑफ 6 मिनट्स, फिर अगला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ। ए नालायक हो, सो क्यों रहे हो? Oops.